जल जीवन मिशन योजना में नल कनेक्शन देने पर पैसे लेने का ग्रामीणों ने किया विरोध, निःशुल्क कनेक्शन देने की मांग। दौसा जिले के भोजवाड़ा में केंद्र और राज्य सरकार की जल जीवन मिशन योजना के द्वारा हर घर नल कनेक्शन देने का प्रावधान है ताकि लोगों को पेयजल किल्लत से छुटकारा मिल सके, लेकिन भोजवाड़ा गांव में ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम विकास के नाम पर 2,250 रुपए की रसीद काटी जा रही है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध जताया तथा निःशुल्क कनेक्शन देने की मांग की। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पाइपलाइन बिछाकर जो सड़कों को खोद दिया गया है उनकी जल्द मरम्मत कराई जाए, नहीं तो जिला कलेक्टर पर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। हालांकि नियमानुसार ग्राम पंचायत मेंटेनेंस के आधार पर रसीद काट सकती है। नवभारत समाचार दौसा राजस्थान से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। मैं सरपंच पति हूँ, प्रतिनिधि जो भी है। जे जे एम की स्कीम की जो योजना चली हुई है, इसमें जे जे एम वाले हर घर से 2,250 रुपए ले रहे हैं। मेरे यहाँ के ग्रामीण जनता गरीब है, पैसे देने योग्य भी नहीं है। अब मुझे सरपंच बनाया बस्ती ने, तो बस्ती जो चाहती है ना, तो मैं बस्ती के साथ में हूँ। और पंचायतों ने भी फ्री दिया है कनेक्शन, तो मैं भी इसी गांव में मेरी तरफ से फ्री। और यदि ये फ्री नहीं करेंगे तो मैं बस्ती के साथ में कलेक्टर साहब पे और जहाँ भी होगा, जहाँ धरना प्रदर्शन करूंगा।